शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 9 दैट इज मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सो क्वेश्चन इज, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेज आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस दिए गए हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। आपको बताना है कि कौन से बॉक्स को बनाने में लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल मींस कम मटेरियल लगेगा, कौन से बॉक्स को बनाने में कम अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक क्यूबॉइड लिया है। देखिए दिस इज क्यूबॉइड। ये कैसे बना है? तो ये कार्डबोर्ड या फिर शीट से मिलकर बना है, पेपर शीट, थिक पेपर है ना। तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ पेपर का यूज हुआ है, तो एक इस फेस पे पेपर लगा है, एक इस फेस पे लगा है, एक इस फेस पे लगा है, एक इसके अपोजिट जो कि मेरे सामने है यहाँ पे लगा है, एक टॉप पे लगा है और एक बॉटम पे लगा है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इसके जितने भी आउटर फेसेस हैं वही मटेरियल लगा है। ठीक है, तो मींस हमें क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। जैसे देखिए ये वाला क्यूबॉइड बनने में कहाँ कहाँ मटेरियल लगा है, तो एक इस फेस पे मटेरियल लगा है, ये देखिए यहाँ पे कुछ मटेरियल लगा है, एक इसके अपोजिट लगा होगा जो कि हमें दिख नहीं रहा, एक यहाँ पे मटेरियल लगा है, ठीक है, और एक इसके नीचे लगा होगा जो कि हमें दिख नहीं रहा, एक यहाँ पे कुछ मटेरियल लगा होगा इस फेस को बनने में, और एक इसके अपोजिट मीन्स इस साइड में लगा होगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और फिर इसका, जिसका कम होगा वही आंसर होगा। तो चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 times एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच, यही होता है। सो वैल्यूज पुट करिए, यहाँ पे L की वैल्यू है क्या, ये वाला लेंथ होता है 60, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट, सो दिस इज हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर। सो L की वैल्यू 60, B की वैल्यू 40 प्लस B की वैल्यू 40 एंड हाइट की वैल्यू 50, L की वैल्यू 60 एंड हाइट की वैल्यू 50। ठीक है, 2 times मल्टीप्लाई कराइए, 6 4 जा 24 एंड 20 प्लस 5 4 जा 20 एंड 20। ऐसे ही तो हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वाले नंबर का, जो नंबर होता है जैसे 4 और 5 है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने जीरो हो लगा दीजिए, प्लस 6 5 जा 30 एंड 20। अब ऐड करते हैं, सो 0 0 एंड देन 4 2 2 4 4 3 7 7400 इंटू 2, तो आपको 74 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में जो 2 जीरो लगा देंगे, तो 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14 एंड 2 जीरो और, तो कितना आ गया, 14,800। और इसकी यूनिट क्या आएगी, तो सबको सेंटीमीटर में दिया था, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है ना। तो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कार्डबोर्ड लगेगा इस क्यूबॉइड को बनाने में। अब देखते हैं इसमें कितना मटेरियल लगेगा, तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ये देखिए क्यूब है, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है तो हम उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यहां लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6a² 6 into a की वैल्यू यही है 50 सेंटीमीटर, मैं यहां पे लिख देती हूँ, a इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, तो 50 का स्क्वायर, 6 into 50 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 5 जा 25 एंड 20 और, अब मल्टीप्लाई करिए, 25 6 जा 150 एंड 20,
कितना आ गया 15,000 और यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले क्यूबॉइडल बॉक्स को बनने में 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का मटेरियल लगेगा। तो किसमें कम लग रहा है, इस वाले में या इस वाले में? इसमें कम लग रहा है। तो विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल? तो आप लिखेंगे 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। इसका मैंने डायमेंशन लिखा इस वाले बॉक्स का, ठीक है। बॉक्स, दिस डायमेंशन बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ओके, दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपकी ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।